हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक के अंतर्गत जनवरी माह के वन लाइनर सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था मार्च से लेकर दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या है? तो छठा स्थान है। 1 जनवरी 2021 को झारखंड सरकार ने किसानों को कितने रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है? तो 50,000 तक के रुपए माफ कर दिए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा। जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये झोंग सान सान बन गए हैं और ये चीन के हैं। जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने मनाया है। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा की सरकार ने लिया है। 1 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये आकाश मिसाइल है। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2021 को IAF ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये RKS भदौरिया ने किया है। जनवरी 2021 को रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? RBL बैंक के साथ। 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अन अकेडमी ने किया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? तो ये इसरो कर रहा है। जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। 1 जनवरी 2021 को पॉडकास्ट नेटवर्क वॉन्डरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये अमेजॉन ने किया है। 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका बने हैं। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक में शामिल कर लिया है? तो ये सुजीत है। 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? के वीर मणि को। 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 2 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है? 900 अरब डॉलर का। जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिस्थापित किया है? म्यांमार ने। जनवरी 2021 को एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य के शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो 2100 करोड़ रुपए। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो अब न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ये यूके ने किया है। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। 2 जनवरी 2021 को राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड के हैं। जनवरी 2021 को शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये संगीत निर्देशक थे। 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुईस हैमिल्टन को। जनवरी 2021 को 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? बजाज।
2 जनवरी 2021 को भारत ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ $331 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया है। 2 जनवरी 2021 को थौबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट थौबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इम्फाल में। जनवरी 2021 को किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। 2 जनवरी 2021 को किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है? तो ये केरल राज्य की है। जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान के साथ में। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? मेघालय में। 3 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 3 जनवरी 2021 को भारत ने यासा चक्रवात से प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? फिजी को। 3 जनवरी 2021 को किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग हैप्पी ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो ये चाइना ने किया है। 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? ओडिशा में। 3 जनवरी 2021 को कर्नाटक सरकार ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? तो ये ब्रिटेन में भेजा है। जनवरी 2021 को किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो ये झारखंड की सरकार के द्वारा की गई है। 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2021 को थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया है। 4 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपने पानी के टावरों पर आईटी उपकरण स्थापित किए हैं? तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। जनवरी 2021 को एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। योजना का नाम क्या है? एक विरासत को अपनाओ और अपनी धरोहर अपनी पहचान। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग विल्नियस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जेफ बेजोस हैं जो शीर्ष पर रहे हैं। 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला ने किस बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। 4 जनवरी 2021 को टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहाँ किया है? तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, साफ नहीं है। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2021 को किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा। जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये केरल राज्य में किया जाएगा। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है? कजाकिस्तान। 5 जनवरी 2021 को किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। 5 जनवरी 2021 को किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोविन। हाल ही में मेरी मार्सडन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक पर्वतारोही थे। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। जनवरी 2021 को इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 जनवरी 2021 को किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है? IDBI बैंक ने। और KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ जानिए। 5 जनवरी 2021 को राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओडिशा में। 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये अमेरिका सरकार के द्वारा किया गया है, अमेरिका देश के द्वारा।
5 जनवरी 2021 को सीसीटीवी निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन है, चेन्नई है, सॉरी चेन्नई है। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? केरल ने। जनवरी 2021 को किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो ये ओडिशा की सरकार के द्वारा किया गया है। 6 जनवरी 2021 को टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो स्मृति ईरानी एवं रमेश पोखरियाल निशंक ने। 6 जनवरी 2021 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल। 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? प्रयास। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? भारत में। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में। 6 जनवरी 2021 को किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। 7 जनवरी 2021 को NDB ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। 6 जनवरी 2021 को एलन बर्गिस का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे। 7 जनवरी 2021 को किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है? लखनऊ विश्वविद्यालय। 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आशीष पेठे को। 6 जनवरी 2021 को कॉलिकल वेल का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर ने किया है। 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? गौतम चौहान। 7 जनवरी 2021 को गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं? राम विनय शाही। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को। 6 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कारगिल में। 8 जनवरी 2021 को किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? बंधन बैंक ने। 8 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। 8 जनवरी 2021 को किस केंद्र शासित राज्य ने उपराज्यपाल किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर। 8 जनवरी 2021 को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? डॉक्टर राज अय्यर। 8 जनवरी 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शट डाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ है? भारत को। 8 जनवरी 2021 को किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है। 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डग मारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? स्लोवाकिया को। 8 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए थे? एलोन मस्क। 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रिट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा। 6 जनवरी 2021 को एलेक्स एलिस किस देश के राजदूत भारत में बने हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। 9 जनवरी 2021 को एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा है? तो लगातार 16,000 किलोमीटर। 9 जनवरी 2021 को किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए
सिडबी के साथ साझेदारी की है तो ये टाटा पावर है। 9 जनवरी 2021 को किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं? तेलंगाना। 9 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये शिक्षाविद थी। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4th के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। 9 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक यादव को। 9 जनवरी 2021 को किस देश ने फतह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। 9 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। 9 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च किया है। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरिक गॉडलैंड को नियुक्त किया है। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो ये क्लेयर पोलो सॉक बनी है। जनवरी 2021 को फिटनेस इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? PNB ने। 10 जनवरी 2021 को चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। 10 जनवरी 2021 को एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? वाडा WADA। 10 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये तेलंगाना है। 10 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलेथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस रहे हैं। 10 जनवरी 2021 को किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 10 जनवरी 2021 को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? सबरीना सिंह को। 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 देश। जनवरी 2021 को 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो ये सिंधु नदी पर किया है। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ओडिशा में। 11 जनवरी 2021 को शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये लखनऊ के नगर निगम ने। 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 32 वर्ष कर दी गई है। 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। जनवरी 2021 को किस राज्य ने भारत में पहला फायर पार्क स्थापित किया है? तो ओडिशा ने किया है। 18 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बक्सरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? गुजरात। 11 जनवरी 2021 को किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जापान ने किया है। 11 जनवरी 2021 को किस IT कंपनी ने क्वांट कम्युनिकेटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अभी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? विप्रो। जनवरी 2021 को किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? एयर इंडिया। जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। 12 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। 12 जनवरी 2021 को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश।
12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में किया है? कर्नाटक में। 12 जनवरी 2021 को नील सहान का निधन हो गया था, वे कौन थे? तो ये लेखक थे। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? R.S. शर्मा को। 12 जनवरी 2021 को किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो ये मलेशिया के द्वारा किया गया। 12 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है। 12 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2G डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। 12 जनवरी 2021 को ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 10.1%। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 13 जनवरी 2021 को कौन सी स्पेस एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति का घोषणा की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2021 को वेद मेहता का निधन हो गया, ये कौन थे? तो लेखक थे ये एक। हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 11। जनवरी 2021 को पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा। 13 जनवरी 2021 को पाकिस्तान वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अजय कुमार ने। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालय इको बुक लॉन्च की है? तो ये मणिपुर। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? महाराष्ट्र। जनवरी 2021 को किस AIIMS ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम भुवनेश्वर ने। 14 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो ये बेंगलुरु बना है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य के परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 14 जनवरी 2021 को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? UAE। 14 जनवरी 2021 को किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? केरल। 14 जनवरी 2021 को डी प्रकाश राव का निधन हुआ, वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। जनवरी 2021 को चयनित राष्ट्रपति जो बाइडन ने US सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? सामंथा पावर को। 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिस में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4th। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो ये इंडोनेशिया में की गई है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य के सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? दिल्ली। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? हरियाणा। 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश के आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? क्यूबा। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर क्लीन बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? ओडिशा। 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में कितने वर्ष के लिए लागू होगी? तो ये 5 वर्ष के लिए लागू होगी। 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश।
15 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? जैक्सा JA-1 से 15 जनवरी 2021 को शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये एस्ट्रो फिजिसिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट। 15 जनवरी 2021 को किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो ये नेपाल के थे। 15 जनवरी 2021 को मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? 5 वर्ष। 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? ASMI। 16 जनवरी 2021 को 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। जनवरी 2021 को इसको टच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया है। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा। 16 जनवरी 2021 को एरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है, तो ये उत्तर प्रदेश। 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया? पृथ्वी पाल सिंह को। 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने। 16 जनवरी 2021 को सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? जापान के साथ में। 16 जनवरी 2021 को USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किरण मजूमदार शाह को। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? गुजरात। 17 जनवरी 2021 को संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में। 17 जनवरी 2021 को किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया? अमरेश कुमार चौधरी को। 17 जनवरी 2021 को चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति प्रदान की है? MV जग आनंद। 17 जनवरी 2021 को किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? इंडोनेशिया। 17 जनवरी 2021 को केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040 तक। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? दिल्ली। 17 जनवरी 2021 को किसने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? फिजी ने। 17 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? विदुर शर्मा को। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो टोटल 8 ट्रेनों की। 18 जनवरी 2021 को चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? तो $1.9 ट्रिलियन। 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो 2.3%। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? असम। 17 जनवरी 2021 को उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 Days in Heaven को कौन होस्ट करेगा? अमिताभ बच्चन। 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? UNDRF ने। 18 जनवरी 2021 को टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में
कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा? तो ये मॉस्को। 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? मनीष कुमार। जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय। 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 18 जनवरी 2021 को चर्चित अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। जनवरी 2021 को गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? तो ये 453। 18 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये चीन है। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? रूस ने। 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये कैंसर विशेषज्ञ थी। 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया गया? त्रिपुरा का मेला है ये। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो ये बिहार में है, बिहार में किया गया पहले पक्षी उत्सव कलरव, नाम है इसका कलरव और ये बिहार का पक्षी उत्सव है। 19 जनवरी 2021 को ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? IDFC फर्स्ट बैंक। 19 जनवरी 2021 को RBL बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्ववीर आहूजा को। 19 जनवरी 2021 को भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो ये फ्रांस। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीकों को मंजूरी प्रदान की है? पाकिस्तान। जनवरी 2021 को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 19 जनवरी को नरेंद्र लूथर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक कवि थे। जनवरी 2021 को योनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है। 20 जनवरी 2021 को उन्नी कृष्णन थंबोथिरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। 20 जनवरी 2021 को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे मिला है? तो किरण रिजिजू को मिला है। 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्राप्त करने की घोषणा की है? बांग्लादेश को। 20 जनवरी 2021 को जो बिडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो 46वें नंबर। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस ने। 43वें कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? 20 जनवरी को मनाया गया है। किस राज्य में? ये त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस है। 20 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। जनवरी 2021 को कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? केरल। 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात। 20 जनवरी 2021 को किस बैंक ने इंस्टा FS नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। 21 जनवरी 2021 को कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। जनवरी 2021 को किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल गया है? महाराष्ट्र। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? असम। 21 जनवरी 2021 को
सुंदरम फाइनेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लोचन को। जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये रूस से। 21 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत का स्थान क्या रहा है? 14। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने ऊद पिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है? गोवा। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम कर दी है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश के थे। जनवरी 2021 को किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? लसित मलिंगा। जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात। 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश। 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले प्रमुख उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती को। 21 जनवरी 2021 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये तसारी छू है। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? मेघालय। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। 22 जनवरी 2021 को ईरान के साथ कितने देशों ने बकाया भुगतान न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया? 6। 22 जनवरी 2021 को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? उज्बेकिस्तान। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो ये राजस्थान की है। जनवरी 2021 को किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। 22 जनवरी 2021 को किस कंपनी ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया है? गूगल। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तेलंगाना। 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरकला सुरंग कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगी? डोडा। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है? ये पश्चिम बंगाल के हैं। जनवरी 2021 को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोप रागड़े को। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। 22 जनवरी 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के इंद्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एवा लोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक। 22 जनवरी 2021 को किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया? नरेंद्र चंचल। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये डालन वाला है। 23 जनवरी 2021 को अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं? डगलस एम हॉफ बने हैं। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? केरल। जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये अंडमान और निकोबार कमान। 23 जनवरी 2021 को फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 20। 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है?
राजस्थान। 23 जनवरी 2021 को 19-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? श्याम श्रीवास्तव को। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने धारा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। 23 जनवरी 2021 को लैरी किंग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये टीवी एंड रेडियो के होस्ट थे, होस्ट। 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड सीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। 23 जनवरी 2021 को समृद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है? उत्तराखंड की सरकार ने किया है। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने लगाया। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने COVID-19 के प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये मलेशिया। 24 जनवरी 2021 को DRDO ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एनडी एयर फील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ओडिशा। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी प्रदान की है? श्रीलंका। 24 जनवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर इबिल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो ये नासा है। 24 जनवरी 2021 को RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? कटक में। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? पंजाब के द्वारा। 1 जनवरी 2021 को अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को बनाया गया है। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है जेल पर्यटन। अब वहाँ पर आप किराया लगाया गया है, वहाँ पे किराया पैसे देकर आप जाकर जेल के अंदर पर्यटन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 24 जनवरी 2021 को यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को किसने अपना राज्य दिवस मनाया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया था। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 32। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू की गई? राजस्थान। 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तराखंड की बनी थी। 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये स्पेस एक्स ने बनाया। 24 जनवरी 2021 को 91वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा में। 25 जनवरी 2021 को विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी ने किया है। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? छत्तीसगढ़। 1 जनवरी 2021 को करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुँच गया? चाइना। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ? तो ये राजस्थान की सीमा पर। 25 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री हुरलमुख ने इस्तीफा दिया? ये मंगोलिया के थे। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को भारत किस देश के कोरोना वायरस टीके की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? अफगानिस्तान को। 26 जनवरी 2021 को जलियांवाला बाग शाब्दिक स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? अमृतसर में। 26 जनवरी 2021 को संयुक्त सैन्य अभ्यास MFX-21 का आयोजन कहाँ किया गया था? अंडमान और निकोबार में किया गया था।
जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। 26 जनवरी 2021 को 2,00,000 श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। 26 जनवरी 2021 को आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? TCS। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु। 26 जनवरी 2021 को किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो ये नितिन गडकरी ने दिया था। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? भावना कांत बनी। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिड़ला ने। 26 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 26 जनवरी 2021 को किस फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो ये प्रशांत डोरा है। 26 जनवरी 2021 को गैलेटरी अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? मेघालय। 27 जनवरी 2021 को अंक टॉड द्वारा जारी किए रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? चीन और दूसरा अमेरिका। 27 जनवरी 2021 को देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने दूसरा कार्यकाल जीता है, ये पुर्तगाल के थे हैं। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? कोलकाता में। 27 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है? असम। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला राज्य ग्रेट वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोप्पल में। जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया? कौशाम्बी। 27 जनवरी 2021 को 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 27 जनवरी 2021 को जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सातवें और पहला मोजाम्बिक। 27 जनवरी 2021 को कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? भुवनेश्वर में। 27 जनवरी 2021 को FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? 8%। 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल। 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेंद्र कुमार भंडारी ने। जनवरी 2021 को किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। जनवरी 2021 को अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल बढ़ाना चाहता है? 5 साल। 28 जनवरी 2021 को अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया? तारक शाह को। 28 जनवरी 2021 को काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? एस्टोनिया की। 28 जनवरी 2021 को IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 11.5%। 28 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश को कोविशील्ड टीकों की 5,00,000 खुराक प्रदान की है? श्रीलंका को। जनवरी 2021 को किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। 28 जनवरी 2021 को मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EPIC किसने शुरू किया? चुनाव आयोग। जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहल शुरू किया है? तो ये सोनू सूद के साथ। 28 जनवरी 2021 को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? मेघालय। 28 जनवरी 2021 को धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JK Sivan। 28 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? रितेश तिवारी। 28 जनवरी 2021 को किस देश ने आई ई
ए के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत के साथ में। 29 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोटे ने इस्तीफा दे दिया, तो ये इटली के थे। 29 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई, नई दिल्ली में। 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी, टोयोटा। 29 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 29 जनवरी 2021 को किस अभिनेत्री का निधन हुआ, क्लारिस लीचमैन का। 29 जनवरी 2021 को यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, कपड़ा मंत्रालय। 1 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया, राजस्थान में। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ, इसराइली दूतावास। 29 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, 46वें, और पहले स्थान पर न्यूयॉर्क और डेनमार्क रहे हैं। 29 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया, बांग्लादेश। 29 जनवरी 2021 को किसने किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च की है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने। 29 जनवरी 2021 को किस बैंक ने एस जानकी रमन और ए के तिवारी को एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये एसबीआई ने किया है। 29 जनवरी 2021 को कौन सा देश अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड-19 टीके की खुराक प्रदान करेगा, भारत। 29 जनवरी 2021 को 42वें उप सेवा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चंडी प्रसाद मोहंती को। 1 जनवरी 2021 को 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बन गया है, भारत। 29 जनवरी 2021 को किस अभिनेता का निधन हुआ, अरविंद सोसी। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, शहीद दिवस, महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि होती है इसी दिन। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गॉर्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं, दिल्ली में। 30 जनवरी 2021 को एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, हैदराबाद। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है, तेलंगाना। 30 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है, जियो। 1 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, 10वें। 30 जनवरी 2021 को किसने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया, प्रकाश जावड़ेकर। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है, मध्य प्रदेश। 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बन गया है, हंगरी। 30 जनवरी 2021 को थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में। 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, इंडोनेशिया का। 31 जनवरी 2021 को बीट लिपरोजी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की है, फ्रांस। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया जाएगा, चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, मध्य प्रदेश। 31 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जैसा। 31 जनवरी 2021 को किस देश ने भारत के 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है, किस देश को, मेक्सिको। 31 जनवरी 2021 को प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहाँ की गई है, गोवा में। 1 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, 86वें शीर्ष पर वियतनाम।
31 जनवरी 2021 को शुभ दर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? कजाकिस्तान। जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं एक साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? तो ये म्यांमार में किया गया है। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस। 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है? पाकिस्तान ने प्राप्त किया है ये। 1 फरवरी 2021 को 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? अफगानिस्तान। 1 फरवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस देश को EF-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? UAE। 1 फरवरी 2021 को SBI कार्ड के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा को। 1 फरवरी 2021 को RBI ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का। 1 फरवरी 2021 को पराबैंगनी किरणों UV रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी? लखनऊ मेट्रो। 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र, अंतिम में उत्तर प्रदेश। 1 फरवरी 2021 को आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है? तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम के 7 विकेट को हराकर टीम को 7 विकेट से हराकर जीता है। 7 फरवरी 2021 को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? IEA के साथ। 2 फरवरी 2021 को बाइडन ने रोब मैले को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया? ईरान। 2 फरवरी 2021 को मिस्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अजीत विनायक गुप्ते को। 2 फरवरी 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन बना रहा है? तो बाली। 2 फरवरी 2021 को विश्व स्तर पर किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? वेटलैंड एंड वाटर। तो इस वीडियो में हमने जनवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट जो भी वर्ल्ड नाइनर इस वीडियो में दिए गए करेंट अफेयर हैं वो सभी देखे हैं, और इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं वहाँ पे मार्च से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चन